नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं बच्चों की नर्सरी कार्यक्रम में, जिसे बटरफ्लाई चिल्ड्रन मीडिया द्वारा लाया गया है। आज हम बात करेंगे किसानों की भूमिका के बारे में। भारतीय किसान भारत की एक जीवित भूमि है, क्योंकि वे दुनिया भर में सबसे मेहनती किसान हैं और हमेशा व्यस्त रहते हैं। दिन और रात अपनी फसलों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। भारत को किसानों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि देश के अधिकांश लोग प्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र में शामिल हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। खेती विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने की प्रक्रिया है। भारत में लगभग 22 प्रमुख भाषाओं और 720 मातृभूमि भाषाओं के साथ भारत में एक विविध संस्कृति है। हिंदू, ईसाई, इस्लाम और सिख जैसे सभी धर्मों के लोग भारत में रहते हैं और वे विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए हैं, लेकिन कृषि मुख्य व्यवसाय है। भारतीय किसान विभिन्न मौसमों, जलवायु परिवर्तन, मिट्टी की स्थिति और अक्सर जंगल की आग, सूखे और बाढ़ के कठोर विनाश के साथ जीवित रहने की क्षमता रखते हैं। अधिक विचार जानने के लिए उड़ीसा के हमारे दोस्तों से बात करते हैं, जो संगठन ओपन लर्निंग सिस्टम उड़ीसा का हिस्सा है। आपका स्वागत है दोस्तों। सभी को मेरे तरफ से प्रणाम। मैं मौसमी बत्रा, मैं 6वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मैं हमारे देश के कृषकों के बारे में कहने जा रही हूँ। हमारे देश भारत में 80 भाग लोग कृषक के ऊपर निर्भर करते हैं। हमारे देश की अर्थनीति मुख्यतः कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं, किंतु चक्रवात एवं बाढ़ के लिए कृषि की बहुत ख्याति होती है। हमारे देश में होने वाले फसल जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, फूल फाल की खेती करके अपना घर परिवार चलाते हैं, पर ऐसे समय पर वो लोग अपनी कमाई हुई पैसों के सही दाम न मिलने के कारण बेच नहीं पाते और उस सारी फसल खराब हो जाती है। कृषक हमारी खाने की थाल है। यदि कृषकों की उन्नति ना हो तो तभी मानव समाज की जीना मुश्किल हो जाती है। आइए कृषकों की सहायता कीजिए। हमारे देश और समग्र पृथ्वी में देखे जाने वाले खाने की इस मुश्किल जैसे समय को ना आने दें। खाने की संकट से पृथ्वी को बचाइए। नमस्ते। मैं उड़ीसा का पूरी जिला का निमापड़ा प्रखंडों का सलंग पंचायत का सलंग गांव से सरोज कुमार साहू बोल रहा हूँ। आज मैं भारत में किसान की भूमिका के बारे में बात करूंगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी 70% जनता गांव में निवास करती है और यहाँ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। कृषि त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। किसान ही अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता है। वो किसी पौधे के बीज से लेकर पूरे उस पौधे के बड़े होने तक का इंतजार करता है और उससे अन्न प्राप्त करके हमारी मूल आवश्यकता को पूर्ण करता है। हमारे जीवन में किसान का योगदान किसी ईश्वर से कम नहीं है, लेकिन बदले में उसे उसका पारिश्रमिक तक नहीं मिल पा रहा है। प्राचीन काल से लेकर अब तक किसान का जीवन अभाव में ही गुजरा है। उसकी इस आर्थिक अभाव ग्रस्त पीड़ा की व्यथा कथा को केवल वही समझ सकता है। बहुत ऐसे किसान है जिनके अभी तक पक्के मकान भी नहीं है। सच कहा जाए तो भारतीय किसान एक महान किसान है, महान इंसान भी है। जय जवान, जय किसान। मैं पूजा बारिक, मेरा गांव का नाम नौरोड़ा उच्च ग्राम पंचायत निमापड़ा पुरी से बोल रहा हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो है देश की समृद्ध में किसानों का भूमिका है। जय जवान जय किसान, ये बात सही है क्योंकि जवान हमारे तथा देश की सुरक्षा करते हैं। सीमा पर दिन रात तैनात रहकर हमें सुरक्षा देते हैं और किसान मिट्टी के साथ मिट्टी होकर हमें आहार देते हैं। इनके वजह से हम भूखा नहीं रहते। इनके जीवन शैली हमारे देश में अत्यंत सरल है। कड़ी मेहनत से वो फसल उगाते हैं, उससे बेचकर अपने परिवार की जरूरत पूरी करते हैं। किसान समाज के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक है क्योंकि वह सभी के लिए अनाज का उत्पादन करता है। किसान दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं। वो हर मौसम में काम करते हैं, चाहे बारिश का मौसम का हो, सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो। किसान की वजह से हमें ताजा फल और सब्जियां मिलती हैं। भारत में किसानों का अन्नदाता कहा जाता है। किसी भी प्राकृतिक आफत जैसे भारी बारिश या सूखे के दौरान किसान सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। आमतौर पर किसान जीवन काफी चुनौतीपूर्ण होता है। आजकल के किसान आधुनिक तकनीक से बनाए हुए खेती के नए साधनों को
उपयोग करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। किसान असली जो योद्धा है क्योंकि वो हम भोजन प्रदान करने के लिए कई समस्याओं से लड़ते हैं। किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। अमेरिका इंग्लैंड जैसे विकसित राष्ट्रों के अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 2-3% है, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कृषि की भागीदारी आज तक जमाने में 18% है। इसलिए भारत को एक कृषि प्रधान राष्ट्र माना जाता है। हमारे प्रशासन व्यवस्था में कृषि के लिए स्वतंत्र बजट बनाया जाता है। कृषि का विकास देश का विकास। हमारे देश का सरकार कृषि के लिए तथा किसान के लिए हित के लिए कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए, जिससे उन्हें ज्यादा मुनाफा हो और वो एक बेहतर जिंदगी जी सके। धन्यवाद। भिको मेरे नमस्ते, मैं धलेश्वर पंचायत के धलेश्वर गांव में रहती हूँ। मैं ओएलएस चाइल्ड क्लब के एक सदस्य लक्ष्मी प्रिया महापात्र बोल रही हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। वो जीवन भर मिट्टी से सोना उत्पन्न करने की तपस्या करता रहता है। भारत जहाँ की 65% जनसंख्या खेती से जुड़ी हुई है, किसान मौसम की परवाह के बिना सभी के लिए अनाज उगाता है, इसलिए किसानों को अन्नदाता भी कहा जाता है। बहुत से उद्योग भी कच्चे माल के लिए किसानों द्वारा उगाई गई फसलों पर निर्भर करते हैं। बहुत से तकनीक उपकरण से किसानों का परिश्रम थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन छोटा और निर्धन किसान उन्हें खरीदने में असमर्थ है, जिसके कारण विवश होकर उसको अपने बच्चों को खेतों में काम करने लेना पड़ता है। गरीब किसान अपनी फसलों के लिए उत्तम बीज और अच्छी खाद नहीं खरीद पाता है। किसानों को खाद बीज आदि खरीदने के लिए उधार लेना पड़ता है, जिसका फायदा साहूकार उच्च दर के बजाय लगाकर उठाता है। किसानों की फसलों के सही मूल्य नहीं लगाता है। अशिक्षित होने के कारण किसानों को अपना अधिकार का पता नहीं होता है और उसके अधिकार को जमकर शोषण किया जाता है। आर्थिक स्थिति खराब होने से बहुत से किसान आत्महत्या करने पर विवश हो रहे हैं। स्वतंत्रता के 50 से अधिक वर्षों के बाद भी वो गरीब अशिक्षित और शक्तिहीन है, उसे कठोर परिश्रम करना पड़ता है। धन्यवाद। तेरी मिट्टी मैं मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। इसके बारे में अधिक जानने के लिए हमारे अतिथि से बात करते हैं। आपका स्वागत है। आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रोल ऑफ फार्मर्स इन इंडिया, यानी भारत में किसान लोगों का भूमिका क्या है।
और किसान लोग क्या भूमिका अदा करते हैं। किसान हमारा समाज की रीढ़ है, वो हमेशा किसी भी मौसम में अपना परवाह किए बिना अपनी फसल में लगा रहता है। केवल मेहनत के बल पर अपना जीवन ही व्यतीत करता है किसान। कृषि को घरेलू उत्पादन में भागीदार 22% है। इसे न सिर्फ खाना बल्कि कई प्रमुख उद्योग के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध होता है कृषि से, जैसे सूती, जूट, चाय, तंबाकू आदि। कृषि राष्ट्र का आय का एक प्रधान स्रोत है। भारत का चाय, भारत का कपास, तिलहन, मसाला, तंबाकू आदि का विश्व व्यापार होता है। कृषि संपूर्ण राष्ट्र को प्रभावित करता है। यह ईंधन, चारा और भोजन का भी मुख्य स्रोत है। आर्थिक विकास का मूल आधार है कृषि। भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि है, जो कि लगातार कम होते दिखाई दे रहा है। याद आता है लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिए थे, जय जवान जय किसान, जबकि स्वतंत्रता की कई साल बीत चुके हैं। इसके बाद भी किसान गरीब है, शिक्षा में कमी है और शारीरिक कमजोरी है। किसान अपने परिवार के सहित खेती में मेहनत करते हैं, लेकिन त्याग और तपस्या को वो भूला नहीं। इसका दूसरा नाम भी है किसान। देश की रीढ़ की हड्डी है किसान। वो जीवन भर मिट्टी से सोना उत्पन्न करने की कोशिश में लगा रहता है, वो भी बिना किसी शिकायत के। हमारा देश भारत, जो कि एक गांव का देश है, इसमें औसतन 70% लोग किसान होते हैं। किसान के परिवार के हर सदस्य कृषि में लगे रहते हैं, सबके लिए अनाज लगाते हैं, लेकिन आज की तारीख में किसान अपना देखभाल करने में असमर्थ है। इसे भी कई लोग खेती करना छोड़ दिए हैं। अब हम देखेंगे किसान लोगों का समस्या क्या है। ये समस्या है कि अपने पास खुद का जमीन का कमी है। क्यों जमीन का कमी है? क्योंकि जमीन का एक बड़ा हिस्सा बड़े किसान के पास होते हैं, साहूकार के पास होते हैं, महाजन लोग के पास होते हैं, और किसान इनके पास में काम या मजदूर करते रहते हैं। कई किसान दूसरों की जमीन पर काम करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, कारण उनके पास खुद का जमीन के अभाव है। कभी कभी मौसम भी किसान का साथ नहीं देते हैं, जैसे मौसम का बिगड़ना, बारिश में कमी पड़ना, जमीन सूख जाना, पानी में कमी। इसके बाद कई बार कई साल में बाढ़ और कई प्राकृतिक दुर्विपाक जैसा आ जाते हैं, जो कि किसान लोग के लिए भारी नुकसान लाते हैं। किसान गरीब के कारण सही वक्त पे खाद, बीज और दवाई जैसा कृषि सामान खरीदने में तकलीफ उठाना पड़ता है, जिसके कारण वो दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ता है, वो भी उच्ची ब्याज में। लेकिन जब किसान कुछ पैदा करता है, अगर मांग से ज्यादा उत्पादन हो गया तो भी एक प्रॉब्लम आ जाता है। कभी मार्केटिंग में प्रॉब्लम आता है, मार्केटिंग का अभाव और स्टोरेज का फैसिलिटी न मिलने कारण कृषि को क्या करना चाहिए, कृषकों को वो कम दाम में सामान बेचना पड़ता है, जो कि परेशानी का एक प्रमुख कारण है। क्या आप जानते हैं किसान को पारिवारिक स्थिति क्या कैसा है? कहते हैं किसान के घर में सिर्फ किसान ही पैदा होता है। किसान अक्सर गरीब होते हैं, शिक्षा के कमी के कारण अपने अधिकार का पता नहीं चलता है, जिसके चलते उसे जमकर शोषण किया जाता है। कई किसान आत्महत्या करने पर बेवश होते हैं। अपने परिवार की मांग जैसे अच्छा घर, अपने लिए एक मकान, कपड़ा, गाड़ी और बच्चों की स्कूल में दाखिल होने का खर्च और दवाई खर्च उठाने में वो असमर्थ होता है। तो इस हाल में क्या करना चाहिए? किसानों के प्रगति के लिए मेरे ख्याल में सरकार को उचित प्रबंध करना चाहिए। इनको कम ब्याज में पैसे दिलवाना चाहिए। किसानों के बच्चों के लिए मुफ्त की शिक्षा दी जाना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ नौकरी में भी किसानों के बच्चे के लिए रिजर्वेशन देना चाहिए। उनके पास हर सरकारी योजना सही वक्त पे पहुंचाना चाहिए, ताकि हर किसान इसका लाभ उठा सके। कृषि को बढ़ावा देना है और किसान लोगों को उचित सम्मान देना चाहिए, क्योंकि किसान देश की अन्नदाता है, मान भी है। और भी किसानों के लिए पेंशन का व्यवस्था दिलवाना चाहिए, साथ ही साथ इंश्योरेंस का फैसिलिटीज भी होना चाहिए। हर गांव में मेरे ख्याल में फार्मर्स क्लब और जो सरकारी समितियां हैं, उनको सब खोलनी चाहिए और स्ट्रेंथन करना चाहिए। भारतीय किसान के जीवन का स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कुटीर उद्योग का भी बढ़ावा देना चाहिए। उन्हें पशुपालन तथा अन्य उद्योग की शिक्षा देना चाहिए। उनके आर्थिक स्थिति में सुधार लाना बहुत जरूरी है। भारत किसान भूमि है, किसने कहा भारत गांव की भूमि है, और किसान देश की आत्मा है। जय जवान जय किसान। दोस्तों, अब समय आ गया है आपको अलविदा कहने का। अगले सप्ताह फिर से मिलते हैं रेनबो FM 102.6 MHz पर। धन्यवाद।